हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत सभी महिलाएं करती हैं और करना भी चाहिए। कहा जाता है कि महाराज जीमूत वाहन ने एक बुढ़िया के पुत्र की रक्षा की थी, तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हम सभी महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जीवित पुत्र का व्रत की कथा पूजा कैसे करना है और बहुत आसान विधि से। जैसे कि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि कुसा से जीवित वाहन बनाया था, तो बहुत सारी हमारी बहनों का ये क्वेश्चन था कि कुसा मत दिखाइए क्योंकि हम लोग को कुसा मिल नहीं पाता है, या फिर अरियार बरियार से बनाया जाता है तो वो भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में चलिए मैं बहुत आसान और संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मंदिर यदि आप नदी किनारे पूजा करते हैं तो कई कलश वगैरह रखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जब घर में रखते हैं तो बिना कलश के नहीं होगा पूजा। तो फिर ऐसे में क्या करना होगा कि एक कलश पानी भरकर रख लीजिए, कोई स्वास्तिक वगैरह ना बनाइए, कोई आवश्यकता नहीं है स्वास्तिक बनाने की। बस कलश को नीचे स्थान नहीं दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा चावल रख लीजिए, उसके बाद एक नारियल रख लीजिए कलश पे, ठीक है, एक नारियल, और नीचे कलश में जल भर लीजिए। और कलश के जल में और कुछ नहीं डाला जाता है। क्या डाला जाता है तो थोड़ा सा चावल, जो कि मैं कटोरी में ली हूँ, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा सरसों के दाने और थोड़ा सा जो ये चना, कच्चा चना होता है, वो तीनों को एक में मिक्स करके रख लेंगे और इसी को थोड़ा सा कलश में भी डालते हैं। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि अब जीमूत वाहन जो है वो हमने कोई कूसते नहीं बनाया, कोई अरियार बरियार भी हमें नहीं मिल पा रहा है। अब जिनको मिलता है वो भी बता देती हूँ क्या करेंगी। वो एक स्थान पे अरियार बरियार को किसी कलश में या फिर किसी घड़े में या फिर किसी गमले में अरियार बरियार के पौधे को वो उसमें लगा देंगी। सब मिला जुला के उस पौधे को लगा देना है, लेकिन ये पौधा हर जगह नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, ये जीवतिया है जिसको कि इसमें बहुत महत्व होता है। तो देखिए, ये धागा मैं दिखा दे रही हूँ, इसमें सोने और चांदी की जीवतिया आप लोग बना लीजिएगा। जैसे जितने बेटे होती हैं, बेटे के जन्म के समय एक चांदी की बनती है और उनकी शादी के समय एक सोने की बनती है। और देखिए, ये चावल और चना और ये सरसों, काली सरसों मिलाकर जरूर रखिएगा इस पूजा में। हमारे यहाँ ये नियम है, यूपी बिहार की ये बहुत विशेष बात है, जो कि चने का इस्तेमाल इसमें जरूर किया जाता है। और ये स्पेशल मिठाई है जो कि सिर्फ जीवित पुत्री का व्रत में ही आपको देखने को मिलेगी, जो कि चीनी से बनती है और सिर्फ चीनी ही होती है, लेकिन बच्चे इसको बहुत चाव से खाते हैं ये प्रसाद चढ़ने के बाद। तो ये प्रसाद जो है हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत अनिवार्य होता है, हर व्रत में, मतलब हर साल के व्रत में ये बहुत ज्यादा मात्रा में चढ़ाया जाता है। तो ये मिठाई आपके यहाँ मिलती है तो रख ले, नहीं तो जो भी चीजें आपको उपलब्ध हो सके उसको आप रख लीजिए। अब देखिए, पान के पत्ते ले लीजिए। अब पान के पत्ते भी आपको यदि उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बहनें बताई हैं, बोली हैं कि बहुत सूक्ष्म तरीके से बताइए, तो यदि पान के पत्ते आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग क्या करिए ना कि आप लोग सिर्फ चावल रख करके एक पे रखेंगे हम जीमूत वाहन भगवान को। क्योंकि देखिए, आप ना चाहे तो अरियार बरियार में भी जीमूत वाहन की पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुपारी को बहुत पवित्र माना जाता है, जिसमें कि हम किसी भी देवी देवता का आह्वान कर सकते हैं। जैसे कि अरियार चील सियारन की इसमें बहुत बड़ी महिमा है, इस व्रत में उनकी कथा भी होती है। तो वो एक तो एक तरफ रहेंगी चील और एक तरफ रहेगी सियारन, और उसके सबसे पहले नंबर पे रहेंगे जीमूत वाहन। तो अब हम अरियार बरियार के रूप में नहीं, बल्कि जो कसैली है जिसको सुपारी बोलते हैं, उसके रूप में अरियार बरियार की जीमूत वाहन भगवान की पूजा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले घर में पूजन कर रहे हैं ना तो दिया जला लीजिएगा, क्योंकि घर के पूजन का नियम होता है बिना दिया के तो हम जला ही नहीं पाते हैं। लेकिन यही हम जब नदी किनारे जाकर करते हैं तो कोई दीपक वगैरह प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन घर में करते हैं तो घर का थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है। वैसे जो महिलाएं बाहर जाती हैं, नदी पे जाती हैं, उनको तो पता ही होगा कि नदी किनारे कोई भी इस तरह का करने की आवश्यकता, कोई दीपक वगैरह प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे पंडित जी लोग बैठे होते हैं, अरियार बरियार के पास हम जाते हैं, बस चढ़ाते हैं, हो गया पूजा। अब देखिए, पहले नंबर पे जो है वो जीमूत वाहन बाबा को हमने प्रतीकात्मक सुपारी के रूप में रखा है, दूसरे नंबर पर चील है और तीसरे नंबर पर सियारन है। सबको हम जल से स्नान कराएंगे लेंगे, और जो मैंने दिखाया ना चावल और कच्चे चने और
सरसों, बिहार में इसको भिगो कर चढ़ाते हैं, तो यूपी बिहार की ये विशेष चीज मैं जहां बता रही हूँ आपको। अब देखिए, जिन लोगों की सासू माँ नहीं है वो लोग क्या करेंगी कि नेनुआ के पत्ते पे, जिसको कि झिंगुनी का पत्ता भी बोला जाता है बिहार में, उस पे अपनी सासू माँ को पांच स्थानों पे ये फल और ये खली वगैरह चढ़ाया जाता है। तो मैंने पूरी विधि जो है वो वीडियो में बता चुकी हूँ। ये बहुत सूक्ष्म विधि बता रही हूँ कि व्रत में थकान भी ना हो और पूरी तरह से आपकी पूजा भी हो जाए। अब देखिए, कलश को और जीमित वाहन भगवान को हम जो है वो सिंदूर समर्पित करेंगे, तो ये काम आपको जरूर कर लेना है। कलश को और जीमित वाहन भगवान को सिंदूर आपको समर्पित कर ले, सॉरी जीमित वाहन भगवान को नहीं, चील और सियारन को आपको सिंदूर समर्पित करना है। अब देखिए, चील सियारन को या फिर जिनकी सास नहीं है उनको एक साड़ी भी यहाँ चढ़ाना अनिवार्य है, तो मैं आपको अंत में चढ़ा करके दिखा दूंगी, तो ये साड़ी आप चढ़ा लीजिएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ यूपी की ही बात बता दूं ना, सबके घर की अलग अलग विधियाँ हो जाती है पूजा की। कोई जो है कि साड़ी चढ़ाता है, कोई नहीं चढ़ाता है, कोई कोई जो है पारण के समय नई साड़ी पहनकर और सास को मार गिराता है। तो जो आपके यहाँ की विधि होना, आपके परिवार में जिस परंपरा से होता हो वो कर लीजिएगा, और जो भी मौसम के फल मिल जाते हैं, केला सेब अनार, वो फल आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। वैसे इस व्रत को ना विशेषकर बाहर किया जाता है, खुले स्थान पे किया जाता है, तो कोशिश करिएगा इस पूजा को छत पे कर लें, आंगन में कर लें, बाहर कर लें तो बाहर ही करिएगा। और यदि आप नदी किनारे जाती हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जो आपकी ज्योतिया है ना, जिसमें कि सोने चांदी को आपने पहले ही गूंथ कर रखा, उस ज्योतिया को भी चील सियारन और जीमूत वाहन भगवान से स्पर्श करा दीजिए। और हाँ, एक चीज और बता दूं, कहीं कोई ये मत संशय करिएगा कि हमारी पूजा कहीं से भी कम है। ये शास्त्रोक्त विधि है जो जीमूत वाहन की पूजा के लिए पूर्ण है, तो किसी भी प्रकार से संशय मत लाइएगा। जो भी पुष्प वगैरह हैं उनको चढ़ा दीजिएगा। वैसे इस पूजा में विशेषकर सफेद पुष्पों का महत्व होता है, चील सियारन और जीमूत वाहन भगवान को सफेद पुष्प चढ़ाया जाता है, तो ये सब काम आपको कर लेना है। और जो पुरानी वाली आपकी ज्योतिया, जैसे नई वाली आपने पुरानी वाली में से निकाल कर सोने चांदी की ज्योतिया को इसमें गूंथ लिया पुरानी वाली में, तो नई जो नई वाली में, तो पुरानी वाली को आप क्या करिए कि नदी में प्रवाहित कर दीजिए। नदी में नहीं कर सकते हैं, देखिए वैसे तो नियम है कि जब हम जाते हैं नदी किनारे तो पुरानी वाली को उसमें प्रवाहित कर देते हैं, तो ये काम करना मत भूलिएगा, पुरानी वाली को प्रवाहित करना मत भूलिएगा, इधर उधर पैर से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और दूसरा काम आपको करना है कि जब आप अपनी ज्योतिया में सोने चांदी की ज्योतिया गूंथ लें, तो यदि आप बाहर भी जा रही हैं, नदी पे भी जा रही हैं, तो आप उसको एक बार जीमूत वाहन भगवान से स्पर्श करा दीजिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद करना यह है आपको कि धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहें सुगंधित आप कर दीजिए वातावरण को, क्योंकि सुगंध से ही हमारे देवी देवता भोग ग्रहण करते हैं। अब जिनकी सास नहीं है वो एक काम और कर लेंगी, यहाँ पे नदी किनारे हो या यहाँ पे खली तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन इससे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये हरी उड़द है जिसको कि अगहनी उड़द के नाम से भी जाना जाता है, इसको अभी इसी टाइम पूजा में थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिएगा, विशेषकर यूपी में चढ़ाया जाता है। और इसको पानी में भिगो के रखिएगा, क्योंकि पारण के समय पांच पांच उड़द के जो दाने होते हैं उनको हर दिशा में फेंकेंगे, हे अरियार हे बरियार जाके कहना राजा रामचंद्र से, अपने बच्चे का नाम लेकर इनकी मम्मी खर ज्योतिया व्रत है, ऐसा बोलते हुए आपको ये करना है। और यहाँ पे जो मैं साठी का चावल दिखा रही हूँ, इसको नहाए खाए के दिन शाम के खाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोग दोस्तों ये हाथ में ले लीजिए चना और चावल और ये जो सरसों है उसको हाथ में लेकर ही कथा सुनिएगा। कथा समाप्त होने के बाद वहीं पे जीमूत वाहन भगवान के पास ये चीजें छोड़ दी जाती है। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज का और ध्यान देना है, जब हम कथा सुनकर बाहर से घर लौटते हैं तो पूरे रास्ते थोड़ा थोड़ा ये चना चावल और सरसों के दाने पूरे रास्ते थोड़ा थोड़ा छींटते आते हैं, और वही जो मैंने अभी बोल के आपको बताया हे अरियार हे बरियार वो करते रहिए। और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप बताइएगा जरूर। आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट आई कि मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी, क्योंकि सभी अपने अपने अनुसार करते हैं, तो इसलिए मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन चलिए मैंने दिखाया। आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, साड़ी चढ़ा दीजिएगा आपके यहाँ पारिवारिक नियम हो तो, हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है तो मैंने दिखा दिया आपको। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और मैंने आपके कहने पे ही सिर्फ वीडियो बनाया, तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।